नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज 6 बेसिक लेकर आया हूँ, जिसको आप सीख जाओगे तो आप भी अपनी वेबसाइट को गूगल की फर्स्ट पेज पे रैंक कर पाओगे। यदि आप ब्लॉगर हो, यदि आप वेबसाइट ओनर है, तो आपको पता होगा कि यदि आप पोस्ट लिखते हो और पोस्ट जब रैंक नहीं कर पाती गूगल में, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो आज मैं ऐसे 6 बेस्ट तरीके लेकर आया हूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, कैसे राइट करना है, कैसे मतलब अपनी पोस्ट को मतलब कैसे एसईओ करना है, ऑन पेज ऑफ पेज कैसे कीवर्ड फाइंड आउट करना है अपनी पोस्ट के लिए, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल और वीडियो के साथ। एक रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो जल्दी जल्दी फटाफट अपन चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। मैं आज पूरा डिटेल में आपको कैसे लिखना है, कैसे रैंक करना है, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ, कंप्लीट देखिए तभी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सबसे पहले तो अपने को कोई एक पोस्ट लिखना है, मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे किस बारे में पोस्ट लिखना है। तो जैसे कि अभी शकुंतला देवी मूवी रिलीज हुई है, मैं इसमें मूवी के बारे में बता रहा हूँ। शायद आपकी वेबसाइट कोई जॉब्स के रिलेटेड हो, तो जॉब्स के बारे में आपको पता होगा कि किस जॉब के बारे में मुझे लिखना है। तो उसके बारे में आपको जस्ट कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे अच्छा और फ्री टूल अवेलेबल है, जो मैं सजेस्ट आपको करता हूँ, वो है उबेर सजेस्ट। से आपको कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा इजीली। तो उबेर सजेस्ट मैंने ओपन कर लिया है, इसमें जैसे शकुंतला देवी मूवी करके हमने कीवर्ड डाले, ऐसे ही मतलब मूवी का नाम डाला है। अब इसको इंडिया सिलेक्ट करके सर्च करते हैं कि इसके पास कौन कौन से कीवर्ड गूगल में रैंक कर रहे हैं, किस कीवर्ड पे। तो इसमें देखिए ये सब डाउनलोड करके बता दिया है, ठीक है, ये इतने सारे। तो हमको क्या करना है कि यदि आपकी वेबसाइट न्यू है या एक साल डेढ़ साल पुरानी है, तो आपको एसईओ डिफिकल्टी हमेशा 10 के नीचे लेना है, ठीक है। तो एसईओ डिफिकल्टी इसकी 13 है। वॉल्यूम में आपको ध्यान नहीं देना, वॉल्यूम 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम भले 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ऊपर ही होना चाहिए, 10, 12, 15 या जितने भी हो, लेकिन वॉल्यूम में आपको ध्यान नहीं देना है, केवल एक ही ध्यान देना है कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एसईओ डिफिकल्टी आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी प्लस आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है, इस पे डिपेंड होता है। यदि आपकी वेबसाइट एक साल पुरानी है, डेढ़ साल पुरानी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 10 से नीचे जिसमें एसईओ डिफिकल्टी हो वही कीवर्ड लें। जैसे कि 10 के नीचे जैसे सेकंड वाला है शकुंतला देवी मूवी ऑनलाइन, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम नहीं देखना है, प्लस एसईओ डिफिकल्टी देखना है 10 के नीचे, प्लस आपको सीपीसी देखना है। सीपीसी मतलब होता है कि कितने इसमें एडवर्टाइजर इसमें एडवर्टाइज दिए हुए इस कीवर्ड पे। तो इसमें $16 तक का एडवर्टाइज दिए हुए, मतलब इसमें सीपीसी 0 नहीं होना चाहिए, इसमें सीपीसी लगभग मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ऊपर कुछ भी चलेगा, ठीक है। और एसईओ डिफिकल्टी आपकी 10 के नीचे होना चाहिए। तो दूसरा वाला सही है, लेकिन मैं दूसरा ना चूज करके ये पांचवा वाला जो है इसमें सीपीसी 0 है, मतलब ये भी नहीं ले सकते। ये वाला 9 है, लेकिन इसमें शकुंतला देवी मूवी प्राइम, ठीक है, इसमें सीपीसी अच्छा है,
ये ले सकते हैं और भी इसमें देख सकते हो आप अपने, लेकिन सब जीरो बता रहा है सीपीसी, तो इसमें कुछ भी अपने काम का नहीं है। ठीक है, सीपीसी मतलब कम होगी तो उसमें यदि रैंक भी कर पाता है आपकी वेबसाइट, आपसी आपकी पोस्ट, तो भी आपको मतलब कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जिसमें सीपीसी जीरो से अप है वही वाला कीवर्ड लीजिए। तो नौ वाला ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे, शकुंतला देवी मूवी प्राइम। ठीक है, तो ये कीवर्ड आपको कॉपी कर लेना है और आपको ये कीवर्ड मिल चुका है। ठीक है, इसको कॉपी करके अब चलते हैं अपने अपने डैशबोर्ड की तरफ। जब वर्डप्रेस मेरी मूवीज एचडी फ्लैक्स डॉट कॉम, यदि आप पहली बार मेरी वेबसाइट देख रहे हो तो एक बार ओपन करके देख लीजिए मैं कैसी पोस्ट इसमें डाला हुआ हूँ। तो चलते न्यू पोस्ट में, एड न्यू, वीडियो कंप्लीट देखिए तभी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ। अभी अपन ने क्या किया, पहला तरीका कीवर्ड रिसर्च किया, कीवर्ड कैसे रिसर्च किया वो सब मैंने बता दिया है। अब सेकंड वाला जो है कि जो भी अपन ने कीवर्ड रिसर्च किया है वो कीवर्ड को आपको टाइटल में डालना है, प्लस कीवर्ड टाइटल में डालने के बाद उसके बाद थोड़ा कुछ और डाल सकते हो, ज़्यादा लंबा आपको टाइटल नहीं डालना है। शकुंतला देवी मूवी प्राइम वॉच ऑनलाइन ऐसे डाल सकते हो, वॉच ऑनलाइन। ठीक है, इतना बड़ा आपका टाइटल हो सकता है। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया कि ये कीवर्ड को आपको कॉपी कर लेना है और फर्स्ट पैराग्राफ की जो फर्स्ट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस इतना काम हुआ आपका, इसको बोल्ड कर देना है, प्लस इसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है। अब लिखना कैसा है, तो ये यूनिक आपको खुद लिखना है। हो सकता है कि आप दूसरी वेबसाइट में से कॉपी करके उसको एडिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा कॉपी मत कीजिए, अपना खुद का डालिए। खुद का मतलब इसके बारे में आप खुद का क्या डाल सकते हो, इस मूवी को आपने देखे हो तो खुद आप लिख सकते हो कि मूवी ऐसी है वैसी है ऐसा है वैसा है ये हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा दूसरी की पांच छह वेबसाइट में से थोड़े थोड़े आप कंटेंट लीजिए, उसको थोड़ा एडिट कीजिए, थोड़ा वर्ड एक्सचेंज कीजिए, जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये मैंने किया हुआ है। ये सब मैंने 300 वर्ड का मिनिमम इसमें होना चाहिए, तो 300 वर्ड का मैंने इसमें अलग अलग वेबसाइट में से कॉपी किया हुआ है और उसको एडिट भी किया हुआ है। ठीक है, इसको कॉपी करके आपको जस्ट इसमें पेस्ट कर देना है। तो ये 300 वर्ड का मैंने लिख दिया है। अभी सेकंड जो मैं बोलने वाला हूँ तरीका, वो तरीका है कि आपकी जब पोस्ट आप लिखोगे उसमें जो पैराग्राफ होगा वो तीन लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। समझ गए आप, तीन लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, मतलब ये तीन लाइन हो गई, उसके बाद ये चार लाइन है तो इसको भी आपको तीन लाइन करना है, ऐसे एंटर करते जाइए। और पहला जो भी होगा आपका उसको हेडलाइन आपको देना है, हेडलाइन, और ये H2 लेना है, हमेशा ये H2 लेना है क्योंकि H1 हमेशा टाइटल होता है। ठीक है, तो H2 लेना है, और ये थोड़ा पैराग्राफ बड़ा दिख रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और इसको आपको पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जो अपन ने कीवर्ड फाइंड आउट किया था, अरे यार एक मिनट, इसको H2 लेना है। ठीक है, ये कीवर्ड आपका था, ये कीवर्ड को आपको कॉपी फिर से करना है, और ये पहला आपका पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के पहले आपको ये कीवर्ड को डाल देना है। ठीक है, इतना हो गया। आपने ग्रामरली कभी इस्तेमाल किया होगा तो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है वर्ड में, वर्ड अपने आप ये रेड वाला बता देता है, इसमें राइट क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। ग्रामरली भी काफी अच्छा है। ठीक है, ऐसे चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इसको डेकोरेट करना है, जैसे ये डायरेक्टर है इसको बोल्ड कर दो, ये ऑथर है इसको बोल्ड कर दो, ये कास्ट है
इसको बोल्ड कर दो, सिनेमाग्राफी, ये थोड़ा अच्छा मतलब लगे ऐसा कर दे। ओके ये इतना हो गया, ठीक है ये इतना हो गया। अभी अपने को जो कीवर्ड कॉपी किया था उसको आप, यदि आप योस्ट प्लगइन यूज किए होगे तो ये ऑप्शन आता होगा। आई थिंक आप ब्लॉगिंग या ब्लॉगर हो तो आपको पता होगा कि ये सबसे बेस्ट योस्ट प्लगइन है जो गूगल में रैंक करता है। तो इसमें ही आपको ये कीवर्ड को डाल देना है, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं आप, ये पीला दिखाई दे रहा है, मतलब इसको ग्रीन होते तक आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना। तो यही कीवर्ड को आपको ऐसे टाइटल में डालना है, टाइटल में हमेशा पहले में डालिए, फर्स्ट टाइम में इंसर्ट सेपरेटर डालिए, प्लस ये रेड ग्रीन होते तक रखिए ऐसा, ठीक है। इतना हो गया। प्लस मेटा टाइटल में आपको क्या करना है, ये कीवर्ड को पहले डाल दीजिए एक बार, ठीक है, इसमें कॉलन डाल दीजिए। अभी क्या कीजिए आप, इसमें ऊबर सजेस्ट में जाइए, इसमें से 5-6 कीवर्ड फिर से ऐसे, मतलब शकुंतला देवी मूवी, ठीक है, इसको यहाँ डाल दीजिए। इसमें कुछ लिखिए, वॉच ऑनलाइन फ्रॉम, ये अमेजोन प्राइम में रिलीज हुआ था, अमेजोन प्राइम फ्री हियर, एक मिनट हो, इतना हुआ। तो ये इसमें आपको सेपरेटर रखना है ऐसे, फिर उबेर सजेस्ट में जाइए, इसमें कुछ अच्छा मतलब जिसमें वॉल्यूम कम हो वो आपको फाइंड आउट करना है। ये पोस्टर वाला शायद अच्छा है, शकुंतला देवी मूवी पोस्टर, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, ये ग्रीन हो गया। एक और कुछ और डाल सकते हो आप, शकुंतला देवी, ठीक है, मूवी, इतना ही लेगा, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते, ठीक है। इतना हुआ, फिर आपको नीचे एनालिसिस में क्लिक करना है, और इसमें एरर जो बता रहा है, आउटबाउंड लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग और इमेज। तो ये हुआ अपना, मैंने क्या क्या बताया, पहले तो कीवर्ड रिसर्च करना बताया, दूसरा आपको पोस्ट कैसे लिखना है, कैसे आपको पहला पोस्ट 3 लाइन का पैराग्राफ करना है, प्लस अब ये तीसरा आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें एक इमेज डालना है, और इमेज आपको कोई भी डाल देना नहीं है, आपको इमेज एक कॉपीराइट वाली बनाना है, कॉपीराइट बिना की। एक इमेज को आप डाउनलोड कीजिए गूगल में से, उस इमेज को एडिट कीजिए, उसमें कुछ दूसरा लिखिए जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और आपके पास एक ब्लॉगर होना चाहिए, ब्लॉगर के अकाउंट में आपको उस इमेज को अपलोड करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ये ब्लॉगर का मेरा अकाउंट है, और इस वेबसाइट में मैं जो भी इमेज डालता हूँ पहले ये ब्लॉगर में डालता हूँ, जैसे शकुंतला देवी, शकुंतला देवी का ये मैंने इमेज इसमें डाला हुआ है, और इसमें आपको डालने के बाद पब्लिश नहीं करना है, ब्लॉगर में यहाँ से डाल सकते हो आप इंसर्ट इमेज, और इसको पब्लिश नहीं करना है, वैसे ही सेव एज करके रख देना है, प्लस इसका कॉपी लिंक एड्रेस करना है, और आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके जहाँ पर आपको इमेज इंपोर्ट करना है वहाँ पर जाकर आपको इमेज पेस्ट कर देना है ऐसे। तो ये इमेज आपकी आ गई, एक मिनट, थोड़ा लोचा हो गया, इसको रिमूव करके जैसे आपको इमेज यहाँ पे डालना है तो इंसर्ट आफ्टर, यहाँ प्लस में साइन करके क्लिक करके इमेज इंसर्ट प्लॉन URL, और ब्लॉगर में जाना है आपको, ये वाली इमेज आपको कॉपी करना है, कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ जाना है, यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है, एंटर करना है, ठीक है। तो ये इमेज आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ये मैंने तीसरा आपको बता दिया है तरीका, चौथा
तरीका आपको ये यूज करना है। ये देखिए, आप देख सकते हो कि SEO ग्रेन हो चुका है, तो अभी इसमें दो एरर होगी, दो या तीन, आउटबाउंड लिंक, इंटरनल लिंकिंग, ये भी मैं बताऊंगा। और ये इमेज एट्रीब्यूट, इमेज एट्रीब्यूट के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो कीवर्ड है, जैसे ये कीवर्ड है मेरा, ये कीवर्ड को कॉपी करना है। ये कीवर्ड को कॉपी करके आपका ये इमेज आपने डाले हो तो इसके कैप्शन में आपको डालना है एक बार, और दूसरा इसमें जब भी आप क्लिक करोगे पिक्चर में तो इधर इमेज सेटिंग में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट यही सेम डाल देना, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और इमेज, एक दो इमेज और डाला जाए, जैसे कि जैसे इसमें कोई यूज़र आए तो डाउनलोड कहाँ से करेगा, होम वॉच कैसे करेगा, तो उसके लिए मैं एक इमेज ऑलरेडी अपने ब्लॉगिंग के अकाउंट में डाला हुआ है, वो इमेज मैं वहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट करूँगा। तो ये ब्लॉगर का अकाउंट मेरा ओपन हो चुका है, ठीक है। इसमें मैंने अभी एक इमेज बताता हूँ, मैं जो भी इमेज अपनी वेबसाइट में डालता हूँ पहले ब्लॉगर में डालता हूँ और उसका लिंक केवल मैं अपनी वेबसाइट में डालता हूँ, ताकि इससे क्या होता है कि अपनी वेबसाइट की स्पीड स्लो नहीं हो। जैसे ये डाउनलोड वॉच, ये इमेज है, ये इमेज को कॉपी किया, इसको कॉपी करके इंसर्ट फ्रॉम URL में जाके आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है, इसका इसमें भी आपको सेम कीवर्ड को कॉपी करके इसके कैप्शन में डालना है और ये इमेज एट्रीब्यूट में डालना है, ठीक है। अभी मैं और कुछ, अब ये हो गया मेरा तीसरा तरीका। चौथा तरीका मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको जैसे कहीं भी आप डाल, इसमें एक वीडियो आपको डालना होगा, तो वीडियो आपका मतलब टॉपिक के ऊपर है, जैसे आप ब्लॉगिंग करते हो, जैसे कोई जॉब्स की वेबसाइट है सॉरी जॉब्स की ये तो मैंने पोस्ट शकुंतला देवी के ऊपर लिखा है, तो शकुंतला देवी का यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब ओपन किया, उसका ट्रेलर आपको मिल जाएगा, ये ट्रेलर है, उसमें आपको राइट क्लिक करना है, कॉपी एम्बेड कोड करना है, प्लस फिर से वहां जाना है आपको, और यहाँ पर आपको इंसर्ट आफ्टर कहीं भी आप डाल सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मिडल में डालें, इंसर्ट आफ्टर करके आपको फॉर्मेटिंग में जाना है, कस्टम HTML में क्लिक करके आपको जो एम्बेडेड कोड आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करके प्रीव्यू करके देख लेना है, मतलब वो वीडियो आपका आपकी वेबसाइट में आ चुका है। और इसका कोई कॉपीराइट का ये नहीं होता इशू, उनको और तो व्यू आता है तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे डालने की, ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब ये हो गया आपका चौथा तरीका, वीडियो डालना। पांचवा तरीका मैं ये बताने वाला हूँ, नीचे जाइए आप, इसमें लिखा है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर वेबसाइट। यदि आपका वेबसाइट को, वेबसाइट की पोस्ट को रैंक करना है तो आपको इंटरनल लिंकिंग करनी ही होगी। इंटरनल लिंकिंग दो तरीका है, पहला है तो सेल्फ इंटरनल लिंकिंग और दूसरा है सेल्फ, मतलब इसी पोस्ट को आपको इसमें इंटरनल करना है प्लस, तो इसी पोस्ट को आपको इंटरनल करना है तो ये जो URL है इसको आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो पहले प्रीव्यू दबा दीजिए तो इससे URL आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ये मिल गया, इसको कॉपी करना है और आपको इमेज में क्लिक करके इसमें URL में आपको डाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया एक सेल्फ हो गया, ये वाली जो इमेज है इसको भी आपको सेल्फ कर देना है ताकि यूजर इसको प्ले डाउनलोड करे तो सेल्फ मतलब यही वाली पोस्ट फिर से अपन हो जाए, ठीक है। और था इसके बाद में बताने वाला हूँ कि इसमें इंटरनल लिंकिंग के लिए जैसे शकुंतला देवी मूवी है, तो यदि जैसे ये मूवी है तो इस वेबसाइट में जैसे द मूवी लिख सकते हो फिल्म की जगह, मैं बताता हूँ इंटरनल लिंकिंग कैसे करना। जैसे ये मूवी लिखा है, मूवी को कॉपी करना है, इसको इंटरनल लिंकिंग कैसे दे ये मैं बता रहा हूँ।
इसमें क्लिक करना है आपको, मूवी इसमें पेस्ट करना है। मूवी नाम से जो भी पोस्ट आपकी वेबसाइट में होगी वो सब पोस्ट आपको दिखाई देगी। तो कोई भी एक पोस्ट को आपको इंटरनल लिंकिंग में, एक मेन बात ये है कि आप सेल्फ इंटरनल लिंकिंग और जिस किसी भी ऑल टेस्ट को आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हो, जैसे मूवी को, तो मूवी वाला पोस्ट आपको डालना है। ऐसे नहीं कि मूवी में आप कोई जॉब वाली पोस्ट डाल दी, ऐसा नहीं होता। आपको सेम इंटरनल लिंकिंग करना होता है, तभी ये गूगल में रैंक होता है, ठीक है। जैसे शकुंतला देवी, अभी इसमें अब थर्ड मतलब पांचवा वाला तरीका मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपको आउटबाउंड लिंक करना है। आउटबाउंड लिंक क्या होती है कि दूसरी किसी वेबसाइट का लिंक आपको इस वेबसाइट में देना है। तो जैसे शकुंतला देवी ये है, मैंने एक दूसरी एक वेबसाइट में शकुंतला देवी की पोस्ट डाली हुई है, तो इसमें मैं आपको उस वेबसाइट की पोस्ट का, ये शकुंतला देवी मूवी डाउनलोड, ये मेरी indnaukri.com है, ये भी मेरी वेबसाइट है। ऐसे किसी दूसरी वेबसाइट का भी डाल सकते हो आप। तो ये वेबसाइट का मैं इसमें इंटरनल लिंकिंग करने वाला हूँ शकुंतला देवी। इसमें जाके आपको ये आउटबाउंड लिंक हो गई, मतलब इसमें जब भी यूजर करेगा क्लिक तो ये मेरी दूसरी वेबसाइट में जाएगा। तो ये वाली मेरी दूसरी वेबसाइट, इसमें एक और इमेज मुझे डालना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, अपलोड एंड डाउनलोड वाली। तो यहाँ पर इमेज में क्लिक करोगे और यहाँ पे मैं ये वाली इमेज डालना चाहूँगा, डाउनलोड करने वाली कॉपी। यहाँ पे आप देखते रहिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, वैसे ही आप कीजिए और आप भी रैंक करने लग जाओगे। ये देखो, इसमें मुझे ये दूसरी वेबसाइट का लिंक डालना है ताकि यूजर मेरी इस वेबसाइट में आ सके। जब भी क्लिक करेगा इस इमेज में तो यूजर मेरे इस वेबसाइट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंटरनल एक्सटर्नल ऑन पेज ऑफ पेज SEO कंप्लीट। इंटरनल लिंकिंग के बारे में बताया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इंटरनल लिंकिंग आपको सेम कीवर्ड पे करना है। जैसे शकुंतला देवी, शकुंतला देवी जैसे आपने चूज किया, इसको लिंकिंग करना है तो ये वाली पोस्ट आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, ठीक है। सेम पोस्ट सेम नेम से होना चाहिए, ठीक है, तभी ये इंटरनल लिंकिंग गूगल को पता चलती कि ये सही है, ठीक है। ये इतना हो गया, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको जाना है यहाँ पर और कैटेगरी चूज करना है। आपकी वेबसाइट में कौन कौन सी कैटेगरी आपने बनाए हो, कैटेगरी आपको यहाँ पे, जैसे ये वेबसाइट इसमें ये मूवी रिव्यू का पोस्ट है तो मूवी रिव्यू डालेंगे, या वेब सीरीज है तो वेब सीरीज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हैं तो दोनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अभी क्या करना है, जस्ट आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। जस्ट पब्लिश हो गई, पब्लिश करने के बाद आपको जस्ट इसको कॉपी करके इसको गूगल सर्च कंसोल इंडेक्सिंग के लिए भिजवा देना है। ये तो आपको पता ही होगा, यदि नहीं पता आपको कैसे इंडेक्सिंग करना है तो उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, वो देख सकते हो आप, ठीक है। इतना हो गया, इसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना है वर्डप्रेस के, और इसमें आपको टैग भी डालना होगा। टैग बिना टैग के आपकी पोस्ट रैंक नहीं कर पाएगी। तो ये सब टैग को आपको कॉपी करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मैंने ऑलरेडी इसमें कॉपी करके रखा हुआ है। ये कॉपी करने के बाद आपको एक कॉलन लगाना है हर एक इसमें, तो इतने टैग आपको फ्री में उबर सजेस्ट मिल गए। इसको कॉपी करना है जस्ट, और आपको इसमें सिलेक्ट करके इसको एडिट करना है। यहाँ पे जाना है, मूवी रिव्यू था और वेब सीरीज था, ये दोनों को सिलेक्ट करके इसमें पेस्ट कर देना और अपडेट कर देना, ठीक है। बस विथिन ए 24 आवर्स आपकी ये पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक करने लग जाएगी। तो मैंने आज क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया कि पहले कीवर्ड रिसर्च करना है, दूसरा तरीका था, पहला तरीका कीवर्ड रिसर्च करना उबेर सजेस्ट से, तीसरा दूसरा तरीका मैंने बताया कि कैसे पोस्ट
पैराग्राफ तीन लाइन से ज्यादा का नहीं रखना है। तीसरा तरीका मैंने बताया, इमेज डालिए और उसमें कीवर्ड ऑल टेक्स्ट की तरह डालिए। चौथा तरीका मैंने बताया कि आपको इंटरनल लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्लस इंटरनल लिंकिंग करना है और सेम कीवर्ड पे आपको सेम पोस्ट का यूआरएल डालना है। और पांचवा तरीका मैंने बताया आउटबाउंड लिंकिंग। आउटबाउंड लिंक यदि आपकी वेबसाइट सेम पोस्ट में नहीं लिखी गई है तो नो प्रॉब्लम, किसी दूसरी वेबसाइट का आप लिंक एक दो डाल सकते हो। इंटरनल लिंकिंग हमेशा 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 10 तो होनी चाहिए इंटरनल लिंकिंग। मैंने इसमें इंटरनल लिंकिंग केवल दो किया है, ऐसा नहीं चलता, 10 इंटरनल लिंकिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 10 कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको उबेर सजेस्ट में जाके जो भी आपका कीवर्ड है उसके रिलेटेड कीवर्ड इतने सारे उसको आपको जस्ट कॉपी करना है, नोटपैड में जाना है, इसमें कॉलन लगाना है, प्लस इसको कॉपी करके वर्डप्रेस में जाके आपको एडिट करके यहाँ पर टैग में डाल देना है और आपको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद वो यूआरएल को तुरंत आपको गूगल सर्च कंसोल में डालना है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, 24 घंटे के अंदर आपकी पोस्ट रैंक करने लग जाएगी। बस आज का वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। पहली बार आए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो सही प्रैक्टिकली एकदम ट्रुथ सही सही में बताता हूँ, वो भी हिंदी में, नो प्रॉब्लम। आप मेरा ये 6 तरीका देखकर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।